रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जब से डेस्टिन को रिलीज़ किए तब से रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के जितने सारे फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज थे आरसीबी के इस फैसले से। और ऐसे में डेस्टिन जो कि अब कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक T20 लीग में, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से T20 लीग में जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप लोग आरसीबी के बहुत बड़े वाले फैन हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डेस्टिन जो कि एक लीग में परफॉर्म कर रहे हैं उस लीग का नाम है मजांसी सुपर लीग। और मजांसी सुपर लीग में गाइस अभी डेस्टिन 6 मैच खेल के और गाइस उन्होंने 11 विकेट जो कि चटके हैं और नंबर 1 के पायदान में अभी वो मौजूद हैं। और उन्होंने 6 मैच खेले अभी तक, तो उनकी जो कोई भी इंजरी की जो हमें कोई भी सिचुएशन अभी देखने को नहीं मिली है। और ऐसे में जो कि माइक हैसन इसको देख के पूरी तरह से चौंक चुके हैं क्योंकि इस तरीके से दर्जी का परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लगातार 6 T20 मैच जो कि डेस्टिन खेल रहे, तो भाई बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है क्योंकि यहाँ पे अगर डेस्टिन मतलब 6 T20 लीग खेल रहे मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा काम है क्योंकि वो एक दो मैच के बाद ही जो कि पूरी तरह से यहाँ पे इंजर हो जाते हैं। और ऐसे में वो 6 लगातार यहाँ पे T20 मैच खेले, एक भी मैच को मिस नहीं करे और सभी के मैच में जो कि वो कमाल के परफॉर्मेंस करते हैं। और डेस्टिन जो कि मजांसी सुपर लीग में भी टॉप में चल रहे हैं, टॉप बॉलर के लिस्ट में नंबर 1 के पायदान में मौजूद है और ऐसे में वो कमाल के परफॉर्मेंस करते ही जा रहे हैं। तो गाइस इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आरसीबी ने बिल्कुल सही किया गलत किया, जो भी ओपिनियन है तो प्लीज जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस साल फाइनली फिर से हमें जो कि आरसीबी की डिसीजन में गलत नजर आ रही है। यहाँ पे यही होता है ना यार, मतलब जब भी आरसीबी कोई प्लेयर को रिलीज करती है अपनी टीम से तो गाइस वो खिलाड़ी कहीं और जाके कमाल के परफॉर्मेंस कर देता है। और गाइस जब वो आरसीबी में रहता है तो यहाँ पे एक भी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से यहाँ पे निकल कर नहीं आती है। तो यहाँ पे आरसीबी की फूटी किस्मत है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आरसीबी के इतिहास की तो गाइस उन्होंने जो कि शेन वाटसन को छोड़ा था, जब शेन वाटसन आरसीबी की तरफ से खेलते थे एक भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं निकला शेन वाटसन के बल्ले से। और जैसे ही वो चेन्नई सुपर किंग में गए, चेन्नई सुपर किंग एक बहुत बड़े सितारे बन गए। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे केएल राहुल भी अच्छे परफॉर्म किए थे आरसीबी में, लेकिन उन्होंने जो कि छोड़ा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता, केएल राहुल के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा क्रिस गेल को छोड़ा था आरसीबी ने, दो साल यहाँ पे क्रिस गेल अच्छा परफॉर्म नहीं किए थे आरसीबी के लिए, तो उन्होंने जो कि पूरी तरह से छोड़ दिया था क्रिस गेल को। तो क्रिस गेल भी जो कि पंजाब में जाके अच्छे परफॉर्मेंस करने लगे, केएल राहुल भी किंग्स इलेवन पंजाब में जाके अच्छे परफॉर्मेंस कर लेना कि उसके बाद क्विंटन डिकॉक जो कि 2018 में आरसीबी में शामिल थे, 2019 में मुंबई में गए और मुंबई में जाके पूरी तरीके से क्विंटन डिकॉक भी छा गए। तो ऐसे भी आरसीबी ने गलत डिसीजन लिया या फिर उनकी फूटी किस्मत है मुझे नहीं पता, इस बारे में आपका जो भी ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएगा। और क्या आरसीबी डेस्टिन को इस साल पिक करेगी नहीं करेगी, इस बारे में आपका जो भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए इस बारे में आपका जो भी ओपिनियन है। और गाइस अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो पहले इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए क्योंकि आरसीबी की तरफ से जो भी छोटी मोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आएगी तो गाइस आपको हमारे इंस्टाग्राम में देखने को मिलेंगे। तो जाइए इंस्टाग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।